तुमने लिखना है कॉट 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1+sin थीटा, और ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए दो, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसका जो आंसर है तो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो मैं सबसे पहले इसकी जो साइज है इसको बढ़ा देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कंसीडर ट्रायंगल हमने क्या लिए। तो स्टार्ट कीजिए, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल हमारे पास में, ट्रायंगल का नाम है एबीसी, और एंगल ए के पास में हमारे पास में वैल्यू है थीटा, आप जानते हो, और एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें दिया गया। तो हम जो पहला जो क्वेश्चन है हम फर्स्ट को सॉल्व करने वाले, अब इससे ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें दिया गया कॉट थीटा, तो आप जानते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अगर 7/8 है तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि कॉट का फॉर्मूला क्या है। तो आप बोलेंगे सर एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। कॉट का फॉर्मूला जो हमारे पास में अवेलेबल है वो क्या है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, क्योंकि टैन के अपोजिट में। तो कॉट थीटा अगर हम मान लो कॉट थीटा मानते हैं तो इसका किस तरह बनेगा, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है। तो मान लो एडजेसेंट, तो एडजेसेंट कितना है, देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में देखिए ये 7, चलो ठीक है मैं इसे 7 दे देता हूँ, इसे 7, सॉरी प्लीज मैं फिर से राइट करता हूँ इसे, और के में से कांस्टेंट दे देता हूँ, और दूसरी वैल्यू हमारे पास में 8, एडजेसेंट अपन अपोजिट उसको देता हूँ 8k। अब हमें एसी फाइंड करना है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम यूज करेंगे, यूजिंग पीजीटी। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बनेगा हमारा, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। थोड़ा फास्ट चलता हूँ मैं, इसी हमें फाइंड करना है इसीलिए इसी तरह राइट कर दो। ए भी हमारे पास में दिया गया है 7k, तो यहाँ राइट कर दीजिए 7k का स्क्वायर प्लस 8 यानी वो बीसी यानी कितना 8k का स्क्वायर, 7 का कितना हो रहा है 49k² प्लस 8 का 64k² और इन दोनों की अगर एडिशन हम करते हैं तो आप कर लीजिए 113k का स्क्वायर, और इसका अगर स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो हमारे पास में कितना जाएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 113 और ये के, ठीक है ये हमारे पास में आ गया। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं 113k। तो ठीक है, ये तो हमारे पास में ऑलरेडी ए सी मिल चुका है। अब हमें ये देखना है इसमें, इसमें पूछा गया हमें कॉट थीटा। ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा और कॉस, तो सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी साइन की और साइन और कॉस की। तो चलिए अब मैं पहले यहाँ पर राइट करता हूँ, देखिए मैं थोड़ा इसका पेन का फॉर्मेट चेंज कर डालता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ राइट करता हूँ साइन थीटा, ठीक है साइन थीटा, ये आपको इजी जाए इसलिए मैं इस तरह इसको राइट करता हूँ यहाँ पर। तो साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, अपोजिट्स अपॉन एडजेसेंट हाइपोटेनियस, सॉरी। तो अपोजिट कितना आ जाएगा इसका, साइन का बीसी अपॉन एसी, तो राइट कीजिए यहाँ पर बीसी अपॉन एसी। तो बीसी कितना है हमारे पास में 8k और एसी कितना है अंडर स्क्वायर रूट 113k। तो आप जानते हो ये के से के कैंसिल कर सकते हैं हम, ये के बाहर है प्लीज, तो बचा कितना बाद में 8 अपॉन 113। उसी तरह हम कॉस थीटा को निकाल लेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट कितना है 7k, हाइपोटेनियस कितना है
113 के से के क्या आंसर जाएगा, बचा कितना हमारे पास में 7 अपॉन अंडरस्कोर रूट 113। तो ठीक है, चलिए आप जो पहले हमें जो दिया गया था उसे मैं राइट कर रहा हूँ। थोड़ा मैं यहाँ पर पेन का फॉर्मेट चेंज कर डालता हूँ आपको इजी आने के लिए। हमें गिवन किया दिया हुआ है पहला क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। जब हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के वजह से एक बार फिर चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी। तो आप जानते हो इसका फार्मूला क्या बनेगा, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, पेन फिर से चेंज कर डालता हूँ। देखिए यहाँ पर बनेगा फार्मूला, हम लिख दें यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ऊपर क्या बनेगा, वन का स्क्वायर कितना होता है वन। ओके, और वन का स्क्वायर जब वन होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और नीचे का कितना जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया, चलिए वैल्यू पुट कीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का कितना आया हुआ था 8 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 113। मैं इसे स्क्वायर दे देता हूँ, कैसे स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन इसका जाएगा 1 माइनस कॉस का कितना आया हुआ था 7 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर। आप राइट करते चलिए, मैं सीरियस करता हूँ थोड़ा, ये थोड़ी जगह मैं काम में लेता हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर मैं राइट करता हूँ 1 माइनस, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना जाएगा 64, 8 का कितना जाएगा 64 अपॉन, और 1 1 से कैंसिल जाएगा, है ना, वो अंडर स्क्वायर कैंसिल जाएगा अपॉन इसका 1 माइनस 7 का 49 और ये 113। समझ में आ रही है आपको बात, आप जानते हो ये 113 और ये 113 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल भी लेते तो, सॉरी अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ तो सिंपली यहाँ पर 1 ही बचेगा। सॉरी, एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 1 रहता है इसका, 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन, इसके नीचे कुछ नहीं रहता, कितना 113 माइनस 49 अपॉन 113। देखिए ये 113 ये 113 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास में, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। देखिए हमारे पास में ये बचा है, आप जानते हैं क्या, ये इसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो 64 अपॉन 49। तो इससे पहले अगर हम रेसिप्रोकल इसका ले लेते हैं तो रेसिप्रोकल लेने का हमें कितना जाएगा 49 अपॉन 64। ठीक, इसका रेसिप्रोकल हम यहाँ से ले सकते हैं, या तो फिर मैं आपको फिर से यहाँ से बता सकता हूँ रेसिप्रोकल कैसे लिया जाएगा। देखिए यहाँ से मैं स्टेप को फिर से रिवाइज करता हूँ, देखिए।